हमें प्रियंका, आप मध्य प्रदेश और बहुत फोकस कर रही है इस चुनाव में, कहीं ना कहीं पर ज्यादातर मैं देख रहा हूँ इन दोनों राज्यों में आपने बहुत फोकस किया है, किस तरह से आप ये चुनाव देख रही है, क्या आप वाकई मानती है कि कांग्रेस इन राज्यों में जीत हासिल कर सकती है या कांग्रेस बैकफुट पर है? बिल्कुल मानती हूँ कि जीत हासिल होगी और हमारा काम है लड़ना। हम अपने सिद्धांतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। जनता त्रस्त है, परेशान है, जहाँ जहाँ इनकी सरकार है किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, रोजगार नहीं, शिक्षा के माध्यम नहीं है, कुछ नया नहीं किया है, नए अस्पताल नहीं, की सरकार है ना राजस्थान, जहाँ इनकी सरकार है। मेरी बातों को मत पलटिए, मैंने कहा जहाँ जहाँ इनकी सरकार है ऐसा हो रहा है, लोग परेशान है, तो क्यों नहीं बदलाव लाएंगे, जरूर लाएंगे। इस चुनाव में हम महिला वोट बैंक पर बहुत देख रहे हैं, हर पार्टी कई कई वादे कर समय के लिए। मैं बहुत समय से ये कह रही हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि सारे राजनीतिक दल अब इस बात को समझने लगे हैं कि महिलाएं एकजुट हो जाए तो महिला बड़ी शक्ति है देश की, 50% है, उनको अपना अधिकार भी मिलना चाहिए, उनको हक मिलना चाहिए और हर राजनीतिक दल को उनके लिए लड़ना पड़ेगा, उनको नकारा नहीं जा सकता। पर ये तो यूपी में नहीं चला, ये आपकी जो महिलाओं के लिए जो आपने किया था वो यूपी में नहीं चला, तो जो नई क्रांतिकारी चीजें होती है उनको समय लगता है चलने में और अच्छा है। मुझे तो खुशी इस बात की और गर्व भी है इस बात की कि हम अलग से महिलाओं के लिए एक अलग घोषणा पत्र भी बनाया, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक पहल ली और उसके बाद से बहुत जागरूकता आ गई है महिलाओं में भी और राजनीतिक दलों में भी कि महिलाओं को नकारा नहीं जा सकता। तो मुझे बहुत खुशी है कि हर चुनाव में अब से महिलाओं का बहुत बड़ा स्तर होगा। जैसे आप चुनाव में पड़ गई है, कंट्रोवर्सी भी आ गई है मध्य प्रदेश में, आप बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो आपने बयान दिया, शिवराज सिंह चौहान से लेकर हर नेता ने आप पर आरोप लगाया कि आपने चुनाव पर्सनल कर दिया, आपने सिंधिया को टारगेट कर दिया। सुबह से शाम तक तो हमें गालियां देते रहते हैं, हमारे परिवार के बच्चों को भी नहीं छोड़ा, बुजुर्गों को, माँ बाप सबको सुबह से शाम तक उल्टा सीधा कहते रहते हैं। हम तो कोई रोते नहीं है भाई इन बातों के, हम समझते हैं सार्वजनिक जीवन है, सुनना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, अब ये भी थोड़ी हिम्मत करें। तो आप भी पर्सनल, आप भी पर्सनल कर रही हैं अब चुनाव? पर्सनल क्या कहा, मैंने कहा कि महान अभिनेता, इसमें पर्सनल नहीं। आपने कहा उनका हाइट छोटा है, ये सब आपने जैसे ही उठाया, उनका अहंकार बड़ा है, अहंकार बड़ा और हाइट छोटा है, तो वो बड़े गुस्से में हो गए, तो उन्होंने कहा चुनाव का मुद्दा नहीं है ये, हासिल चीज है और चुनाव मतलब भाषण के बीच में कुछ ऐसी चीजें ठीक है, चुनाव के मुद्दे क्या है, बेरोजगारी, महंगाई, जिस तरह से मध्य प्रदेश में की सरकार ने 21 रोजगार दिए 3 सालों में, 21 रोजगार, शर्म आनी चाहिए इनको कि इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, इन्हीं पर बात। आखिरी सवाल, आपका रोल क्या है, आखिरी सवाल, आपका रोल फिर क्या है? राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं तो आपका क्या रोल है? मेरा रोल है अपनी पार्टी के सिद्धांतों के लिए लड़ना जी, अपने देश के संविधान के सिद्धांतों के लिए लड़ना, जो गरीब है, जो किसान है, जो महिलाएं हैं, जिसके जिसके जीवन में मुश्किलें हैं, संघर्ष है, उनके साथ खड़ा हूं। क्योंकि ये सवाल उठ रहा है, आप 2024 का चुनाव अब लड़ेंगी कि प्रियंका गांधी केवल स्टार कैंपेनर रहेंगी? बहुत दूर नहीं, 6 महीने में, 4 महीने में चुनाव आ रहे हैं, आप केवल स्टार कैंपेनर है या किस तरह से? इनको मेरे ख्याल से कितने 20 सालों से देख रही हूँ, उससे ज्यादा 20 सालों से यही है इनका कहीं। अच्छा, आप अशोक गहलोत जी के साथ है, अगर यहाँ चुनाव कांग्रेस जीतती है तो क्या अशोक गहलोत जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर तो कौन ये हाई कमांड है, कौन खड़गे जी है और कौन है, गांधी परिवार या खड़गे जी? कह रहे हैं आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, खड़गे जी है, सुनते। प्रियंका जी, आप अब जैसे आपने कहा 20 साल से आप पूछ रही हैं, आप में आप इस तरफ आइए सर, तो आखिर में अच्छा आप जब अच्छा आखिरी सवाल, आप ये कैंपेन पर जाती हैं, आपने सबसे बड़ी बात क्या सीखी है,
बदलाव क्या आया है प्रियंका गांधी में इतने सालों में? आपने कहा 20 साल से मैं यही सवाल पूछता हूँ, आप में क्या बदलाव आया है? तो आप बताएंगे ना? नहीं, ये आप मुझे बताइए कि आप क्या बदलाव नजर करती हैं? आप ज्यादा मैंने यूपी के चुनाव से और वहाँ पे काम करने से बहुत सीखा। सबसे बड़ी चीज क्या सीखी आपने? राजनीति की जो एक वास्तविकता है, जो जमीनी चीजें हैं, वो बहुत सीखी मैंने। मोदी जी वहाँ है, क्या कहेंगी आप उनको? कहा अगर कैमरा पर अगर आप कुछ उनको कहना चाहें, क्या कहेंगी मोदी जी और बीजेपी को आज आप क्या कहेंगी? वो कहते हैं प्रियंका गांधी जी केवल चुनाव के टाइम पर नजर आती है, बाकी नजर नहीं आती, क्या कहेंगी उनको? मतलब उसका जवाब दूं हाँ, मोदी जी को? हाँ, बीजेपी को जो धारणा है, मेरी धारणा तो नहीं। आपकी क्या है धारणा? है मेरी धारणा ये है कि मैं काम करती रहती हूँ, सुबह से शाम तक काम करती हूँ, रोज करती हूँ, 24/7 पॉलिटिक्स दिखती हूँ, कभी कभी ज्यादा दिखती हूँ टीवी पे, कभी कभी कम दिखती हूँ, पर आप करती रहेंगी। क्यों नहीं, बिल्कुल। एज अ स्टार कैंपेनर आप भी मुझे 20 सालों से देख रहे हैं। मैंने कहा 2024 का चुनाव एक बार फिर पूछता हूँ, रायबरेली से लड़ेंगी? रायबरेली से लड़ेंगी आप? वो आप देखेंगे कि मैं क्या करूंगी। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, विल दे फाइट टुगेदर? क्या वो एकजुट होकर लड़ेंगे? प्रियंका होकर लड़ रहे हैं, एकजुट होकर लड़ रहे हैं, हमारी पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ रही है। क्या आपने उनको साथ लाने की कोशिश की थी? इस चुनाव में राजस्थान में बीजेपी एकदम बिखरी हुई है और कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस बिल्कुल एकजुट है। चलिए अशोक जी, उस पर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको चित्तौड़गढ़ में मिलेंगे एट द रैली। थैंक यू प्रियंका जी, अशोक गहलोत जी, बाय फॉर नाउ।